गई है, और ये सुविधा माना जा रहा है कि भविष्य में हमारे लेन देन का पूरा एक जो नक्शा है, जो जो तरीका है, वो बदल सकती है, विशेषकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन की। और इस दिशा में 8 बैंकों को सरकार ने जो RBI रेगुलेट करती है इसको, और परमिशन भी दी गई है। 8 में 4 बैंक ने काम भी शुरू कर दिया है और 4 बैंक और अप्लाई करने वाले हैं। कुछ ऐप भी इस दिशा में आ गए हैं जिनको इसके ऑपरेशन की परमिशन दी गई है। हम आज इसी पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर अकाउंट एग्रीगेटर जिसको AA कहा जाता है, ये क्या चीज है और ये क्यों लाई गई है, और इससे उपभोक्ताओं को क्या ताकत मिलेगी, क्या उनके नुकसान की आशंका है, और सरकार का इसके पीछे क्या उद्देश्य है। हमारे साथ इस चर्चा में फाइनेंस टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के जानकार लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं अमन अग्रवाल जी, जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, निदेशक हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस के। हमारे साथ हैं विक्रम पांड्या जी, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं, SPGN स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के, आप फिनटेक प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं सुरेश जानी जी, हरेश जानी जी, माफ करिए हरेश जी, कंपनी सेक्रेटरी हैं, अब लंबे समय से आप फाइनेंस टेक्नोलॉजी में काम करते आ रहे हैं, और आपने SPGN स्कूल से जो फिनटेक का है वो कोर्स भी किया है, और आप फिनटेक में काफी इंटरेस्ट, काफी लिखते रहते हैं, ब्लॉग लिखते रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा विक्रम जी, संक्षेप में आप हमें समझा सकें, आपने जहां तक मैं जानता हूं आप एस बैंक में भी रह चुके हैं लंबे समय तक, और एस बैंक में आप शायद 22% रह चुके हैं, तो बैंकिंग की आपने तरीका भी देखा है, और इसके बाद आप फिनटेक में, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अध्यापन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या पर्पज है इसको लाने के लिए, इसको कौन सरकार, वित्त मंत्रालय लाया है, RBI लाई है, और इसको रेगुलेट कौन करेगा, किस तरह से रेगुलेट होगा, क्या पर्पज है इसको लाने का? धन्यवाद। फर्स्ट आप लोग अगर समझते हैं इसका पूरा प्रावधान जिस तरह से चालू हुआ वो क्यों चालू हुआ, सो सरकार ने 2016 के अंदर एक जो आर्टिफैक्ट बोलते हैं उसको, जहां पे आप पेपर रखते हो, व्हाइट पेपर रखते हो, वहां पे एक डेपा करके एक पेपर निकाला था, और उसके अंतर्गत जो है किस तरह से कंसेंट दिया जा सकता है वो एक उन्होंने सोच रखी थी, और उसके अंतर्गत और एक बाहर उन्होंने निकाला जिसको बोल सकते हैं ड्राफ्ट बिल जो है वो बाहर निकला था, जिसको बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ओके, सो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, जो यूरोप में GDPR है उसके बराबर है वो, और उसके अंतर्गत जब उनको डेटा प्राइवेसी का जो प्रावधान करना था उसके अंतर्गत, उसके लिए उनको कुछ कंसेंट मैकेनिज्म चाहिए था, क्योंकि आज के दिन डेटा किसके पास पड़ा है वो किसको पता नहीं है, डेटा का ओनर कौन है वो डिफाइन किया जाना चाहिए। हम लोग को पता है कि यूजर ओनर है और कस्टोडियन जो है वो बैंक है या तो जो भी अलग डेटा जो रखते हैं वो, तो उसका प्रावधान कुछ क्लियर नहीं था कि कौन ओनर है और कौन उसका कस्टोडियन है और कौन प्रोसेसर है, कौन उसको प्रोसेस करता है डेटा, तो वो सब चीज ये बिल जो लाया था उसके अंदर डाली गई है, और उसके अंतर्गत ही क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए 2016 के अंदर उसने 17 के अंदर ड्राफ्ट निकाला, और अभी तक वो बिली है, एक्ट बना नहीं है, ये एक्ट अभी तक नहीं बना है, अभी तक वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया है, बट बिल का फुल फॉर्म क्या था सर? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो उसके अंतर्गत फिर क्या आप चाहते हो कि यहाँ पे डेटा डायरेक्टली सोर्स से आए, सोर्स क्या है, जो बैंक के अंदर आपका डेटा पड़ा है वहां से आए, अभी आपका अल्टीमेट यूज केस या अंतिम यूज जो भी हो, जहां पे आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर पाओ, जहां पे आप मल्टीपल अकाउंट को कनेक्ट करके आप एक जगह पे देखो, या अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो, या तो आप एक ऐसा डैशबोर्ड बनाओ ताकि आपका आपको पता चले कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब आपको पता चले, तो ये सब प्रावधान यहाँ पे है, जहां पे आप कंसेंट दे के डेटा किसको दे सकते हो, या तो आप खुद ही कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, और जो डेटा प्रोवाइडर है जिसको हम लोग FIP कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP, वो एक साइड होते हैं, इन बिटवीन जो है वो अकाउंट एग्रीगेटर जो NBFC है, रेगुलेटेड NBFC, वो अंधे पोस्टमैन के माफिक काम करती है, जो सिर्फ रिक्वेस्ट लेती है FIU से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, जहां पे लोन कंपनी या तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी है, ये सब चीज यहाँ पे आएगा, फिनटेक कंपनीज जो है वो सब यहाँ पे आएगा, और वो FIU रिक्वेस्ट करेगी अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू, अकाउंट एग्रीगेटर वो आपका रिक्वेस्ट जो है वो भेजेगा कस्टमर को कंसेंट के लिए। अब ये कंसेंट के दरमियान क्या क्या चीज आपको दिखेगी, आपको दिखेगा कि ये कंसेंट कितने समय के लिए है, कौन से पर्पस के लिए है, कौन से उद्देश्य के वजह से आप ले रहे हो कंसेंट, और उसके अंदर क्या डेटा
जाएगा, ये आपको समझेगा ये कंसेंट के अंदर, और आप उसको अप्रूव करोगे, और आप जब ये अप्रूव करोगे तब आपका डेटा अकाउंट एग्रीगेटर को आएगा एफआईपी के पास से, और अकाउंट एग्रीगेटर बिना पढ़े ही उसको दे देगा अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर एफआईयू को। तो ये पूरा चल रहा है, बट सबसे पहले तो लोगों को ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपना अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पाएंगे। तो आज अपना यूपीआई का हैंडल आपको पता है, आपका एक यूपीआई हैंडल होता है, तो सिमिलर टू यूपीआई हैंडल आपका यहाँ पे एक हैंडल होगा, जो हैंडल आप डालोगे और आपका डेटा ट्रांसफर होना चालू होगा बेस्ड ऑन द कंसेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रावधान है, इसके मुताबिक ये चलता है। तो रेगुलेट कौन कर रहा है इसको? रेगुलेट आरबीआई कर रहा है। आरबीआई कर रहा है, आरबीआई कर रहा है रेगुलेशन इसका, आरबीआई कर रहा है। ये जारी भी आरबीआई ने किया है? बराबर, आरबीआई ने ही किया है, तो ये आरबीआई के द्वारा चालू किया गया है। उसके लिए ही आरबीआई एंटिटीज जो है बैंक, वो शुरुआत से चालू हम लोग करे एफआईपी के अंदर। जब और भी आएंगे रेगुलेटेड एंटिटी सब इसके अंदर प्रोवाइडर बन सकती है, तो फ्यूचर के अंदर आपको इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे आपके म्यूचुअल फंड ये सब वो आएंगे, फिर आपके इवन पीएफ ट्रस्ट जो है, पीएफ जो है वो भी यहाँ पे आएगा, जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है सब यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो एफआईपी जो है वो रेगुलेटेड एंटिटी होगी और डेटा प्रोवाइड करेगी, अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो बीच में बैठेगा और वो पूरा का पूरा ये कंसेंट प्रोवाइड करवाएगा फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर का कंसेंट मिलेगा उसके बेसिस पे वो एफआईयू के पास डेटा जाएगा, और ये पूरा का पूरा ट्रस्टेड इकोसिस्टम बनेगा, ये प्रावधान है। और उसके अंदर जिस तरह से हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी इश्यू या जो भी है, वो यहाँ पे आप एंक्रिप्शन से आप रिड्यूस कर रहे हो एंटायर जो पूरा ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सबसे पहले आप साइंड रिक्वेस्ट भेजते हो ताकि आप जान पाओ कि कौन ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। आधार के अंदर भी पहले ये प्रॉब्लम था, पर उसके बाद में प्रावधान आया कि कहां से लीक हो रहा है वो समझे। तो आज यहाँ पे आप पहले से ये प्रावधान देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट भेजता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है उसका साइन पहले होता है, कंसेंट देने के बाद में वो रिक्वेस्ट आगे जाता है। तो अल्टीमेटली जब डेटा आता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वेस्ट जिसने भेजा है एफआईयू ने वो ही पढ़ पाएगा, दूसरा कोई पढ़ नहीं पाएगा। वो उस तरह से ये पूरा प्रावधान हुआ है। तो सुरेश जी, माफ करिए हरेश जी, मैं बार बार सुरेश जी बोल रहा हूँ। हरेश जी मुझे ये समझाएं कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, मतलब आपको अकाउंट एग्रीगेटर में अपना अकाउंट खोलना है तो शुरुआत बैंक से होगी कि किसी ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, कहाँ से शुरुआत करनी होगी और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा शुरुआत में? तो रिजर्व बैंक ने अपने मास्टर डायरेक्शंस में अकाउंट एग्रीगेटर के लिए प्रावधान किया है, जहां पे बताया है कि कंसेंट का फॉर्म कैसे होना चाहिए, क्या क्या डिटेल देनी चाहिए, सारी डिटेल दी है। उसके मुताबिक सारी डिटेल देने के बाद वो डिटेल कहाँ देना है ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और बैंकर को प्रोवाइड करनी है। नहीं सो आपको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप अगर मुझे को होस्ट बनाओगे तो आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ किस तरह से आप ले सकते हो आपका अकाउंट एग्रीगेटर का हैंडल। सो आपको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये बता दूं कि वो एप्लीकेशन आती है जो आप डाउनलोड कर सकते हो आपके वहां पे मोबाइल फोन के ऊपर। हाँ, अभी मैं दिखाने के लिए, हाँ तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये एक अकाउंट एग्रीगेटर है जिसका नाम है वन मनी। ओके, ये अकाउंट एग्रीगेटर है जहाँ पे आप गए हो। अब आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालोगे आप, पहले तो रजिस्टर करोगे, आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले तो नाम डालोगे पूरा का पूरा, और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालोगे आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो प्रावधान है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जैसा डालना है जो आपको रखना है, और उसके बेसिस पे आप रजिस्टर कर रहे हो। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जब ये एडिट करोगे तो आप ये ब्लर कर दोगे, बराबर? तो एडिट के टाइम पे आप ब्लर कर देना। तो आप जब देखते हो, तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अकाउंट खोल रहा हूँ, ये मेरा नाम मैंने लिख लिया विक्रम, मैंने डाल दिया ये, और मैंने कुछ यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और मैं आगे रजिस्टर कर। नाउ मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मुझे उसके लिए बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं लॉग इन करूंगा। तो यहां पे देख सकते हो अभी ये बता रहा है कि मेरा कोई भी अकाउंट लिंक नहीं किया है, बट एक्टिविटी लॉग के अंदर मैंने डिस्कवर किया है अकाउंट। अगर मुझे ऐड करना है मैं यहां क्लिक कर सकता हूं, और मेरा जो मोबाइल नंबर है उसके लिंक में जितने भी अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे बाद में क्लिक करके लिंक कर सकता हूँ। अब तो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, और आज के दिन ये जो बैंक है वो लाइव है, इंडसइंड बैंक लाइव है,
ये कमिंग सून दिखा रहा है, तो ये अभी तक आया नहीं है। ICICI लाइव है, एक्सिस लाइव है, HDFC लाइव है, और ये भी कमिंग सून है। समझो मेरा HDFC बैंक में क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा जो अकाउंट रहेगा HDFC बैंक के अंदर वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कवर हो पाएगा। तो मैं कंटिन्यू जब क्लिक करता हूँ, मेरे जो दो अकाउंट है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, दो अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो मुझे दिख रहे हैं। मैं उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा तो लिंक हो जाएगा। इस तरह से मैं अपना अकाउंट लिंक करता हूँ, जैसे आप आज UPI में करते हो, तो आप UPI में जैसे करते हो उसी तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे बनता है। जब आपने ये बनाया, जैसे मेरा यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे अगर मैं डेटा भेजना चाहता हूँ, मेरा हैंडल है VCP@OneMoney, ये मेरा हैंडल हो गया। और ये हैंडल मैं किसको भी बाद में मैं भेज सकता हूँ। जब मैं ऑनलाइन लोन ले रहा हूँ वहां पे मैं ये हैंडल डालूंगा, उसके अंतर्गत मेरा जो भी लिंक किया हुआ अकाउंट है वो मुझे मिल जाएगा, और मैं उसको भेज सकता हूँ जिसको मुझे भेजना है। तो ये इसके अंतर्गत आप ये पूरा का पूरा स्टेप कर पाओ। ओके, इसमें अंदर आपको बैंक के, आपको उस बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, अभी कह रहे हैं बराबर। तो आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब आप अकाउंट लिंक करो। UPI में आप कैसे करते हो, बराबर, आप UPI में जब रजिस्टर करते हो आपको एक UPI ID मिलता है। UPI ID के बाद में आपको वहां पे जो अकाउंट डिस्कवर होता है, जो मोबाइल लिंक नंबर आपने दिया है मोबाइल, उसके लिंक अकाउंट जो है वो आपको दिखते हैं। वो लिंक अकाउंट को आप फिर यूज करते हो और उसको आप कनेक्ट करके बाद में पेमेंट कर सकते हो, बराबर। पेमेंट के अंदर आपका पेमेंट डेटा जाता है या पेमेंट मैसेज जाता है, यहाँ पे आपका एक्चुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, डेटा जा रहा है आपके बैंक के थ्रू। आपका जब अप्रूवल भेजते हो, कंसेंट भेजते हो, तो वो रिक्वेस्ट के दरमियान जो भी रिक्वेस्ट आया है, समझो कि रिक्वेस्ट है लास्ट एक साल का मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो वो लास्ट एक साल का स्टेटमेंट बैंक आपका भेज देगा आपके कंसेंट के बेसिस के ऊपर। ये आपका उस तरह से चलेगा। लेकिन ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं वो तो पहले से आपके पास है, आपको उसको एक और पार्टी आपको क्यों जोड़ना है, बैंक अभी आपके पास नहीं। आज के दिन क्या हो रहा है, बैंक डायरेक्टली भेजता नहीं है। आप अगर चाहते भी हो तो बैंक डायरेक्टली भेजता नहीं है, वो आपको समझो स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ता है और फिर आप अपलोड करते हो, या तो फिर आप जाके वो स्टेटमेंट प्रिंट लेके वहां पे सही सिक्का डाल के फिर सबमिट करते हो, या तो वो स्टेटमेंट भी नहीं होगा, वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो डिपॉजिट आपका एसेट कितना है मुझे जानना है। तो अभी तो ये चालू हुआ है, बाद में क्या होगा, आपका सारे डेटा पॉइंट जो है इन्फॉर्मेशन सब साथ में जमा हो जाएगा। जो OneMoney एग्रीगेटर है उसको वो डाटा आपका देख नहीं पाता है? नहीं, वो देख नहीं पाता है, वो अंधा पोस्टमैन के वहां पे काम करता है, क्योंकि एनक्रिप्टेड है, पूरा एनक्रिप्टेड है, तो वो देख नहीं पाता है कुछ भी। उसको सिर्फ पता है कि आपको कुछ डेटा भेजना है, वो रिक्वेस्ट पहले यूजर को भेजता है, यूजर हाँ बोलता है तो वो FIP को या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर को भेजता है, बैंक जो रिक्वेस्ट भेजा है उसके मुताबिक वो भेज देता है। बस ये अकाउंट एग्रीगेटर सिर्फ डेटा को, पाइपलाइन को हैंडल करता है, नहीं कि डेटा में क्या जा रहा है वो देखता, देख ही नहीं पाता, वो अलाउड नहीं है RBI के अंतर्गत, वो अलाउड ही नहीं है। ओके, हरे जी थोड़ा आप थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, हरे जी थोड़ा सा आपका सर पीछे नीचे जा रहा है, काफी नीचे जा रहा है आपका सर। अमन जी, जो मुझे समझ में आया है, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसका इतना शोर हो रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर सब जगह खबरें चल रही है। ये तो बहुत साधारण सी चीज लग रही है, जो आप इन्फॉर्मेशन मैनुअली कर सकते थे उसको आपने एक और आदमी को अपनी जानकारी का साझेदार बना दिया, और वो साझेदार उसके बाद आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रो है या इसमें बहुत संभावना है, आपके एक वित्तीय एक्सपर्ट के रूप में आपको कुछ इसमें संभावना दिख रही है क्या? अब ये जो एग्रीगेटर है, एक तरीका का एक बही खाता है, एक लेजर अकाउंट टाइप बन जाता है, जहां पे हम सारे अपने जितने भी फैसिलिटीज है, और RBI ने क्लियर कहा है कि फाइनेंशियल एसेट मतलब चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो, चाहे डिपॉजिट विद NBFCs हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो, कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, इक्विटी शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, म्यूचुअल फंड हो, ETFs हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हो, CIS हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, बैंक बैलेंसेज NPS वगैरह में हो, रियल एस्टेट एसेट्स हो, DL Estates भी हो, कि जो भी टाइप की फाइनेंशियल एसेट है जिसका फाइनेंशियल बेसिस निकलता है, उसको हम एक लेजर अकाउंट टाइप में हम इंसर्ट कर देंगे। मतलब कि क्या है कि मेरे को अब हर एक बैंक में जाके कल को मेरे को देखना है कि मेरा क्या है स्थिति, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो मेरे को हर एक अकाउंट में जाके देखने की जरूरत नहीं है, मैं एक जगह जाके उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लॉक कर दिया। नाउ अब एग्रीगेटर का काम जैसे विक्रम जी ने बताया, वो सिर्फ इकट्ठा करके पाइपलाइन बनाना है, बट क्या है ज्यादातर जो एग्रीगेटर है वो बाई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीगेटर से तो उनको पैसा नहीं मिलेगा,
आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर कर ली, उससे उनको क्या मिलेगा, वो क्यों करेंगे ऐसा एग्रीगेटर। तो एक इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है इस टाइप के एग्रीगेटिंग सिस्टम का, कि पहली बात जो एक इंडिविजुअल है, कल को कोई अनुपस्थित स्थिति आती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ होता है, तो एक जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जो भी इंसान उसका उत्तराधिकारी है, धर्म पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी, उनके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपका ये है, ये आके देख लीजिए, जो आज के समय में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, कि हर एक जने को, हर एक बैंक अकाउंट को खोल के आपके पासबुक है तो लेके जाना होगा, फिर आपको इंफॉर्मेशन देगी, फिर कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, फिर ही आपको मिलेगी उसमें, क्योंकि आपने सिस्टम बना दिया, तो वो सिस्टम लेजर बुक एक तरीके से उस आदमी के पास खुल सकती है। दूसरी चीज जो मेरे को एक इंडिविजुअल को जो पर्सनल मैनेजमेंट करना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, मेरे लिए बड़ा दिक्कत होती है जब मैं अलग अलग बहुत सारे अकाउंट खोल लूं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की चीजें खोल लूं, लोन भी ले रखा है, लोन मैंने डिपॉजिट्स भी कर रखे हैं, अब कहां पे मैच्योर हुआ कहां पे नहीं हुआ, कई बार पर लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है फायदा कि मेरे को पता चलता है कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है, और उससे मेरे को जो है इमीडिएटली मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता। तो जहां तक बेनिफिट की बात है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट हमें नजर आते हैं जो इस एग्रीगेटर के माध्यम से मिलते हैं, जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है, जो एक्ट है जिसे हम प्राइवेसी एक्ट के नाम से कॉमनली जानते हैं मार्केट में, वो प्राइवेसी एक्ट अभी भी हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, वहां पे भी फिर भी फ्लॉज होते हैं उसके बाद भी, पर इंडिया के अंदर जो वो क्योंकि नहीं है, तो कल को सपोज ये मेरा डेटा इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग गई, उसने उसको मिसयूज किया या मेरा पैसा निकाल दिया, तो मेरे पास क्या रिकॉर्ड्स रहेगा, मेरे पास क्या संविधान रहेगा कि मैं ऐसा ना कर सकूं, बिकॉज जिसके पास अगर ये पासवर्ड हैंडल मिल गया तो वो तो अप्रूव कर देगा, वो चीजें अप्रूव करके आगे कर सकता है प्रोसेस, तो इसको कैसे रोका जाए। इंक्रिप्शन वगैरह सब चीजें ठीक है, अब जब इंक्रिप्शन होने के बाद भी व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको मिल रही है, तो कोई इंक्रिप्शन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो कंपनी है वो प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है हिंदुस्तान। इसी तरीके से दूसरा जो डर रहता है, एक तो चोरी का है डेटा का, दूसरा डर रहता है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या गवर्नमेंट एजेंसीज है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में इनका रोल बहुत स्ट्रांग रहता है, और जो कोर्ट्स होते हैं, जो जुडिशरी सिस्टम होता है, वो उनका प्रावधान पहली रुख जो होता है सरकार की तरफ होता है, एक आम आदमी की तरफ कम होता है, वो सोचते हैं कि आम आदमी है जो साहूकार है या बिजनेसमैन है वो तो गलती करेगा ही करेगा, सरकार गलती नहीं कर सकती है, तो जो उनकी तरफ प्रावधान होता है उसमें ये कि वो इंफॉर्मेशन कल को निकालें और कल को उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज करें, मुझे ब्लैकमेल करें, मुझे जो है मेरे ऊपर कर लगाएं, मेरे ऊपर टैक्सेस लगाएं, तो वो एक बहुत बड़ा डर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आधार में भी रिवोल्ट आया, जब इनकम टैक्स में उन्होंने करने की कोशिश की उसमें भी रिवोल्ट आया, जब ये प्राइवेसी एक्ट की बात हो रही है इसमें भी रिवोल्ट आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, तो ये करना कि हम इस चीज को एकदम से सफल बना पाएंगे एक कैश ड्रिवन इकोनॉमी में। डिमोनेटाइजेशन हो गया, पर आज भी देखिए जो मार्केट में इस समय कैश की स्थिति है, जो एम्प्टी सप्लाई जो होने के बाद करीबन जितना आज से 2015 जब 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय जो कैश आउटस्टैंडिंग था उससे 4 गुना कैश आउटस्टैंडिंग है आज की डेट में। इसका मतलब लोग कितना कैश डिपेंडेंट है, वो चाहते नहीं है कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है चाहे वो डिजिटल फ्रेमवर्क पे हो, और कितना आसान होता है, कितना कम टैक्स लगता है, उसके बाद भी मैं वो चाहता नहीं कि डिजिटल फ्रेमवर्क और सिस्टम बने उस चीज का। तो उसके अंदर देखते हुए कहां तक ये बहुत मेजरली सक्सेसफुल हो पाएगा बड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, काफी सारे अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कंपनियों के लिए, एमएसएमईज के लिए, कि वो एमएसएमईज अपना पूरा धंधा बैंक के प्लेटफॉर्म पे करें, वहां से बिल भी जनरेट होंगे, जीएसटी पेमेंट भी होंगी, टैक्स पेमेंट भी होगी, इनवॉइसिंग भी होगी, सारी ट्रांजैक्शन, इवन एसबीआई ने जो योनो ऐप बनाया है उसको भी उन्होंने हर बार अपग्रेड करते रहते हैं, ये कोशिश करके कि हम किस तरीके से सारे टाइप बिजनेसेस इंटीग्रेट हम करके एक प्लेटफॉर्म पे दे। ये करने के बाद भी काफी सारे बिजनेसेस उन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, बिकॉज वो उस टाइप का रेगुलेशन फ्रेमवर्क पे, और जो डर एक लोगों के दिमाग में बैठा होता है, जो रेगुलेटर्स का डर बैठा होता है, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का डर बैठा होता है, वो नहीं गया। मैं आपको साधारण सा एग्जाम्पल दूं, अमेरिका के अंदर जब मेरा एक कोई ट्रांजैक्शन हुआ $250 का, AT&T कंपनी ने रॉन्ग बिलिंग की मेरे टेलीफोन की, मैंने बैंक को लिखा ये मैंने पैसा नहीं खर्च किया है, विद इन 10 मिनट्स वो $250 मेरे अकाउंट में आ गए, उस समय आज से 22 साल पहले। पर हिंदुस्तान में मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कहा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं करी, वो ट्रांजैक्शन मेरी स्टेटमेंट के ऊपर 9 महीने तक दिखाई देती रही, और फिर 9 महीने के बाद जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने हटा दी, और जबकि उन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर हम इसका निवारण करेंगे। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं हिंदुस्तान में बहुत वीक है। आज मेरा पैसा मेरे अकाउंट से चला जाता है ऑनलाइन के अंदर, मेरे पास कोई मेजर रिकॉर्ड्स नहीं है, मैं FIR करूंगा और चीजें करूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को कुछ नहीं पता है,
इसलिए ये जो रिकोर्स फैक्टर है, ये जो डिपॉजिटरी इंश्योरेंस का बेनिफिट एक आम आदमी को पूरी तरह नहीं मिल पाता है, इस वजह से लोग इन टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए डरते हैं, बिकॉज अभी भी सिक्योरिटी लेवल, चाहे ब्लॉकचेन्स भी इंट्रोड्यूस की जाए, वो लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। सरकार को जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उनको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल पाती है। अब छोटे छोटे धंधे हैं, दुकानदार है, एक सेकंड लूंगा मैं, वो बिजनेस अपना पैसा कर रहे हैं, अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, पर अभी सरकार को पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा धंधा है कि वो अकाउंट में आता ही नहीं ना, उसका बिल कट रहा है। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, फिर उनको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि एक आम आदमी के पास या एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा दुनिया भर की जगह पे रखा हुआ है, उसको मिसयूज नहीं करना है, उसके ऊपर कर नहीं लगाना है, बट एक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि सरकार उसी हिसाब से कदम उठा सके। अमन जी, आपने बातचीत में कहा कि जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं उनको इससे कुछ फायदा नहीं होगा, उसको कुछ कमाई नहीं होगी, आपका डाटा मैनेज करें तो उनकी कमाई कहाँ से होगी, फिर आपने वो उस पक्ष पे आपने जोर नहीं डाला। देखिए, दो तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जो इन्होंने ही अपनी कंपनियां बना रखी है फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए, जहां पे आप सेपरेटली कंपनी को अलाउ करेंगे कि आप वो सुझाव दे सके कि आपका पैसा या कहां कहां आपने रखा हुआ है, कहाँ का उसको निवेश किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ से ट्रांजैक्शंस कैसे, मतलब वो जानकारी वो देख रहे हैं? नहीं, वो तो देख रहे हैं, उनके पास है ही पूरी इन्फॉर्मेशन, पर वो डायरेक्टली नहीं देखेंगे, वो एक सब्सिडरी कंपनी बना के जो एडवाइजरी करेगी। दूसरा, जब भी आप ये ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे लोन आप अप्रूव करवाना आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप एक नए बैंक से लोन ले रहे हैं जिसका आपका कोई रिलेशन नहीं है, एक नए बैंक से आप लेना चाहते हैं लोन क्योंकि उसका मे बी दर कम है या फैसिलिटीज है, आपको अच्छा लगता है उसका फैसिलिटी, उसे लेना चाहते हैं। जब आप एग्रीगेटर को अलाउ करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाए, तो वहां से उसको इनकम आएगी। जब वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो बैंक को भी फैसिलिटी हो रही है, बिकॉज अगर वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अपने ऑफिसर को भेजेगा, चेकिंग करवाएगा, चीजें करेगा, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। अब जब वो एग्रीगेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको पता है कि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। जैसे आज की डेट में जब हम यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रेशन करती है बच्चों का, तो सीबीएसई से डेटा और बोर्ड से डेटा डायरेक्टली आ जाता है, तो इसमें कि वो गलत मार्कशीट अपलोड कर दी या गलत मार्कशीट सबमिट करी, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन जब गई, क्योंकि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो एक जो एंड यूजर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजर है, वो उसके लिए पैसा देने को तैयार है। जो एग्रीगेटर, क्योंकि जब बड़ा होगा, शुरू में तो नहीं ज्यादा मिलेगा, जब बड़ा होगा तब इसकी फैसिलिटीज और एडवांटेजेस निकलने लगेंगे, और हो सकता है तब इसके ऊपर चार्जेस भी लगाना शुरू कर दें। अभी तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पर ये एक माध्यम होगा, हो सकता है बाद में चार्जेस लगे, अगर उनका रेवेन्यू जनरेशन इनके जो साइड सर्विसेज है उससे नहीं हो पाता है मेन मीटअप, तो फिर वो उसके ऊपर चार्जेस भी लगाना शुरू करेंगे। बट अभी जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो एग्रीगेटिंग सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन्होंने काफी हद तक पैसा कमाया है और यूजर्स बेनिफिट भी कर रही है इसके अंदर के मुताबिक। फाइनेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से तो चार्ज नहीं ले पाएंगे अकाउंट एग्रीगेटर, लेकिन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर से ले पाएंगे, जो 10 से 20 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन होने का अंदाज है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट में कॉम्पिटिटर आएगा, अमाउंट जो है चार्जेस का वो उसके आसपास ही रहेगा, और उसके द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर को इनकम होगी। अच्छा, आपका कहना है कि फाइनेंशियल यूजर से चार्ज लेंगे? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर से तो चार्ज लेने का कोई सवाल नहीं है। इसको आप अपनी एग्जिस्टिंग यूपीआई से कंपेयर करें, तो यूपीआई में तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया ही है कि चार्ज नहीं लगाने हैं, जबकि यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी रहेगी, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर से चार्ज करने का प्राविधान हो सकता है। जी, तो फिलहाल जी विक्रम जी आपके पास आएंगे, फिलहाल ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर सरकार जो करने चाह रही है, क्या सरकार के पीछे इसकी कोई डिजाइन तो नहीं, जिसको कहा जाता है कोई मंशा तो नहीं है कि अधिकांश लोगों के डाटा उनके पास आ जाए, ऐसी कोई मंशा तो नहीं है? और दूसरी बात, जो अमन जी बार बार कह रहे हैं कि वो डाटा जो है वो क्या, वो जैसा कि विक्रम जी बोल रहे हैं कि वो पोस्टमैन, अंधा पोस्टमैन है, या फिर वो जिसको कहते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, उस तरह के हालात हैं कि वो जो है ना सब कुछ अपना परख परख के बताएगा, जैसे कि पेटीएम और व्हाट्सएप करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग, और व्हाट्सएप के बारे में तो सच भी है। इस पर बात करेंगे कि कितनी सिक्योरिटी होगी, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इसमें सिक्योरिटी का कितना इश्यू होगा और डाटा तो सचमुच वो अंधा पोस्टमैन ही है जो जिसको कहा जा रहा है कि अकाउंट एग्रीगेटर, या फिर वो देख सकता है, सिर्फ अंधे होने का बहाना कर रहा है। विक्रम जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, अमन जी कह रहे हैं कि इनके पास इनकम का कोई सोर्स होगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को देंगे तो उसके लिए उनका उनका अपना इंटरेस्ट क्या है उस डाटा को रखने में, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? बराबर, मैं आपको बताऊंगा। टोटल चार जो चीज है, चार चीज में आपको मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको ओटीपी देना पड़ता है हर एक डेटा ट्रांसफर के टाइम पे, इस तरह से आप अपना कंसेंट देते हो। तो आप जब डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो वो टाइम पे आप ओटीपी सबमिट करते हो और उसके मुताबिक आप कंसेंट दे रहे हो। तो आपका हैंडल जो है यूपीआई के मुताबिक आप किसको भी अभी दे सकते हो, वो हैंडल देने से कोई इश्यू नहीं है, वो पब्लिक हैंडल होगा वो चलेगा, वो इश्यू नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जो रेवेन्यू मॉडल है, जो जिस तरह से पैसा बनाएंगे, वहां पे तीन रेवेन्यू मॉडल है। पहली बात तो आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी के अंतर्गत कुछ और नहीं कर सकता, तो वो क्लियर है। पर क्या होता है आजकल, इस जो अकाउंट एग्रीगेटर है उसका होल्डिंग कंपनी बनता है, सब्सिडरी तो नहीं बट होल्डिंग कंपनी बनता है, और होल्डिंग कंपनी जो है वो टीएसपी बनता है, टेक सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। ये टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या क्या देता है, तो ये देता है आपको एफआईपी का इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि बैंक को तो पूरा का पूरा डेटा आज के दिन अलग अलग सिस्टम में पड़ा है, उसको कंबाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैंक को ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन आ जाइए तो मैं आपको सुविधा देता हूं ताकि आप अकाउंट एग्रीगेटर से कनेक्ट हो पाओ। दूसरा ये बेचता है एफआईयू को, जहां पे एफआईयू भी ऑनलाइन आ सकता है। समझो कि आपका एक हैंडल जो है वो समझो वन मनी का हैंडल है, बराबर, पर जो एफआईयू जो है उसके ऊपर आप जब ये हैंडल डालते हो और एफआईयू ने जो पार्टनरशिप किया है वो फिनयू के साथ किया है, समझिए कि इस तरह से आपने ऑनबोर्डिंग करके पार्टनरशिप किया है, तो आपको यहाँ पे ऐसा सॉफ्टवेयर भी लगेगा ताकि किसका भी हैंडल हो वो रिस्पेक्टिव उसका एपीआई कॉल हो जाए, जो एपीआई के थ्रू जो डेटा आना चाहिए वो अपने आप उसके थ्रू आ जाए। तो उसके लिए आप एफआईपी का जो जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हो, आप होल्डिंग कंपनी के थ्रू आप प्रोडक्ट बनाओगे जिसके अंतर्गत आप एफआईयू को भी इंप्लीमेंट करके दोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे सबके साथ में, क्योंकि उसको तो एफआईयू जो है उसको सब सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक कंपनी का सपोर्ट करके चल जाएगा, तो उसको भी सबका हैंडल सपोर्ट करना है, तो जिसके मुताबिक उसको एपीआई कॉल होगा। तो यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी रेवेन्यू बनाता है और अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो अपने आप ही वहां पे रेवेन्यू बनाएगा एफआईयू से। कैसे, समझो कि आप एक एफआईयू हो जैसे कि लोन कंपनी हो, और लोन कंपनी के अंतर्गत आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देना है अपने यूजर को। तो जब यूजर आया पहली बार, उसका अकाउंट है ही नहीं, समझो हैंडल है ही नहीं, तो उसके मुताबिक आप जब डेटा डालते हो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, आपको दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अकाउंट एग्रीगेटर ने इंटीग्रेट किया है वो एफआईयू के साथ में। तो यहां से भी आपका पैसा बनेगा जब आप इंटीग्रेट करते हो डायरेक्टली ऑन द टेक साइड, और आपका पैसा बनेगा जब आप रिक्वेस्ट को आप एफआईयू का भेजते हो, कंसेंट दिलवाते हो। और जैसे अमन जी ने बताया उसका रीजन क्या है, आज आप पैसा जो बचा पाते हो वो 150 से 200 रुपया तक बच सकता है जब आप पूरा का पूरा टेस्टिंग करते हो डेटा एक्यूरेसी के ऊपर, कोई जाके लेके आता है एजेंट, आपका साइन स्टैम्प जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है कोई आके लेके जाता है, तो ये सब का खर्चा होता है वो 150 से 200 रुपये तक हो जाता है आज के दिन में, और वो आप बचा पाते हो, तो उसके वजह से ये जो है आज के दिन में 15 से लेकर 40 रुपये तक इसका प्राइसिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, ये जो अकाउंट एग्रीगेटर चार्ज करता है एफआईयू को 15 से 40। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन उसने इंटीग्रेट किया है कि नहीं, एज अ प्रीफर्ड पार्टनर आपका प्राइसिंग अलग अलग होता है। एफआईयू मतलब बैंक ना, बैंक भी हो सकता है एफआईयू, या फिनटेक कंपनी भी हो सकता है। एफआईयू जो है वो इन्फॉर्मेशन यूजर है, एफआईपी सिर्फ बैंक ही होगा, बट एफआईयू है एफआईपी सेम हो सकता है, बट एफआईयू जो है वो बैंक जरूरी है नहीं कि होना ही चाहिए बैंक। ओके, एफआईयू जो है वो स्टार्टअप भी हो सकता है, एक हो सकता है एफआईपी और एफआईयू। एफआईपी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो बैंक हो सकता है, और आपका टैक्स नेटवर्क है, जीएसटी नेटवर्क है, वो हो सकते हैं। फ्यूचर में जो है और भी आएंगे, जो आपका प्रावधान जैसे एडा के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आएंगे, आपका सेबी के अंतर्गत जो है वो सब आएंगे, और आपका जो पीएफ ट्रस्ट मैनेजमेंट है उसके थ्रू भी लोग आएंगे, तो वो सब आएगा।
और फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान है कि इवन हेल्थ टेक और डेटा जो है स्वस्थ एप्लीकेशन आज है हेल्थ टेक बोलते हैं जिसको, वो स्वस्थ एप्लीकेशन के थ्रू भी जो डेटा है वो भी यहाँ पे फ्लो हो जाए। तो ये सब चीज होने वाला है। आज के दिन जो लाइव है वो बैंक है, जो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ उसके अंदर जो मैंने आपको बैंक्स दिखाए, वो मैंने जो डेमो दिखाया था वो बैंक्स लाइव है और वो प्रोवाइडर है, वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं आज के दिन। कंज्यूमर जो है वो सब ये फिनटेक कंपनी भी हो सकते हैं फाइनल जो है वो, और FIU जो है वो उसको पे करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर को डेटा दिलवाने के लिए। जैसे अमन जी ने बोला पैसा वहां पे बचा सकते हो, आपका 150-200 रुपया जो जाता है आज के दिन वो ऑटोमेशन की वजह से, और आपका आपका देखो आप कस्टमर को आप है ना कम की स्ट्रोक डलवाते हो, कस्टमर को डेटा डालना नहीं है, उसको कुछ अपलोड नहीं करना है, उसको आपका हैंडल डालना है हो गया, और उसके बाद में OTP के ऊपर आपका डेटा ट्रांसफर। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पैसा किसका बच रहा है? FIU का बच रहा है, FIU का पैसा बच रहा है। कैसे स्वतंत्र जी, मैं एक चीज मैं जरा क्लियर करूं, RBI की वेबसाइट पे बड़ा क्लियरली लिखा है और मैं पढ़ के सुनाता हूं। An account aggregator would require to have a board approved policy for pricing of services. मतलब services तो देंगे account aggregator, उसकी pricing board approve करेगा। Pricing of services will be in strict confirmation with the internal guidance upon approved by the account aggregator, which need to be transparency and available to public. और दूसरी चीज public होगी है। अब ये इसके दो एंड है, एक तो यूजर है जैसे मैं जो अपना डेटा रखूंगा वहां पर, दूसरा है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा यूज करेंगे, तो वो मोबाइल कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, वो आपके बैंक्स भी हो सकते हैं, वो NBFCs भी हो सकते हैं, वो स्टार्टअप भी हो सकते हैं, वो रियल एस्टेट कंपनीज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उसके लिए जो एंड यूजर है जिसको वो FIU कह रहे हैं। ठीक है, तो जो एंड यूजर है, मैं जैसे प्रपोज किया था कि अभी वो यूजर से चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी यूजर बेस बहुत कम है उनका, तो यूजर बेस से चार्ज नहीं करेंगे अभी, तो अभी क्या करेंगे, वो चार्ज करेंगे इन कंपनियों से जो उस डेटा को यूज करेंगी, क्योंकि उनकी वो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, उनको पैसा कम खर्च होगा वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और जेन्युइनिटी और डेटा एक्सटेंसिवली बढ़ जाएगी इस केस में, जो दूसरे केसेस में कम होगी, बिकॉज आप किसी भी एजेंट को हायर करते हैं तो वहां पे करप्शन भी हो सकता है, मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, इग्नोरेंस भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर इस केस में कोई, क्योंकि नंबर्स कंप्यूटर जनरेटेड है सिस्टम, तो अब वो डिफिकल्टी नहीं है। जब ये सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे इस पॉलिसी के प्रावधान में जो प्राइसिंग देनी है वो यूजर से भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको आज कोई फैसिलिटी बैंक देता है तो आपसे चार्ज करता है, अगर चेकबुक दे रहा है तो आपसे चार्ज करता है, पहले तो जब अकाउंट खोलते थे तब भी चार्ज करता था, और चीजें खोलते थे तब भी चार्ज करता था, अब वो कम हो गए। अगर आप चीज इस तरीके से कि फैसिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी और यूजर डेटाबेस बढ़ता जाएगा और इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी और नेट कनेक्टेड ज्यादा होंगे, तो जब मेरे को यूजर को पता है कि मेरे को आज मैं लोन अप्लाई करूं और नॉर्मल तरीके से करूं तो मेरे को एक महीने बाद मिलेगा, और मैं अगर एग्रीगेटर के थ्रू अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करूं मेरे को तो मुझे 3 दिन में मिल जाएगा, तो वो कहेगा यार मैं 3 दिन में 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके मुझे लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये बेनिफिट एक यूजर को दिखाई देने लगेंगे तो हम देखेंगे कि एग्रीगेटर यूजर से भी चार्ज करना शुरू करेंगे, आज की डेट में नहीं है, और इसके लिए RBI ने साफ कह दिया कि आप अपनी प्राइसिंग पॉलिसी बोर्ड अप्रूव करेगा और उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दो चीज मैंने बता दी है, तो मैंने जैसे बताया रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो होल्डिंग कंपनी में भी रेवेन्यू मॉडल है और सब्सिडरी जो अकाउंट एग्रीगेटर है वहां पे भी रेवेन्यू मॉडल है, जिससे उन्होंने बताया कस्टमर से आप जो चार्ज करोगे वो बात की बात है, पर ज्यादातर NBFC जो है ये अकाउंट एग्रीगेटर NBFC वो फ्यूचर में भी प्लान शायद कर सकती है कि मैं अकाउंट एग्रीगेटर हूं तो मैं शायद यूजर को मैं बेनिफिट दूंगा, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, जितने ज्यादा यूजर आपके पास होंगे उतने ज्यादा FIU आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपका अभी का पर्पस इवन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए भी वही है कि आपको ज्यादा यूजर लाने हैं। हाँ, 4-5 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है 4-5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है यूजर के साइड में प्राइसिंग के एंगल से। हाँ, दूसरा चीज क्या बोल रहा हूँ कि जो सेगमेंटेशन है ये किसके लिए है, जो आज के दिन भी डिजिटली अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, जो आज के लिए भी जो डिजिटल कंज्यूमर है वो आपका टारगेट सेगमेंट है, ऐसा टारगेट सेगमेंट नहीं है जो ऑलरेडी वो आपको समझो कैश इकोनॉमी के अंदर पार्ट कर रहा है, वो आपका टारगेट सेगमेंट वैसे भी नहीं होने वाला है आज के दिन भी, तो ऐसे टारगेट सेगमेंट है जो जेन जी है जेन वाई है जो ऑलरेडी जो कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन ही करना अच्छा लगता है, तो वो लोग जो है वो ज्यादातर इसके अंदर आएंगे। और एक फ्रेमवर्क है ओकेन करके फ्रेमवर्क दूसरा बन रहा है जो लाइव होने वाला है बाद में, तो उसके वो जब होगा तब ये फाइनेंस इंक्लूजन इवन ये जो आपके सब्जी वाले हैं वहां तक जाएगा, पर आज के दिन अभी तक वो लाइव नहीं है। ओकेन जो है वो लाइव बाद में होगा, वो एक अलग फ्रेमवर्क है,
उसका अलग ओकन बाद में ओकन लगा। ओकन ओकन क्या चीज है? ओके, ओकेन जो है वो OCEN है, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, ये जो है उसका भी एक चल रहा है साइड में, जिसके अंतर्गत आप अकाउंट एग्रीगेटर को यूज करके और लोन सर्विस प्रोवाइडर को बीच में लाके आप लोन दे पाओगे। समझो कि आपके पास आज ओला उबर है और ओला उबर के ड्राइवर को लोन चाहिए, तो ओला उबर का जो ओला उबर है वो LSP बन जाएंगे और वो अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू उसका जो डेटा है ये सब प्रोवाइड करके अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू सब डेटा ट्रांसफर होगा। फाइनली जो FIU है, ये जो बैंक जो ऑफर देते हैं, तो ये ब्रोकर के मुताबिक काम करेगा, ओला उबर और इट वो स्विगी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर पड़े हुए हैं और उनके बिहाफ पे वो नेगोशिएट करके बेटर प्राइसिंग लेके आएगा। तो वो जो नेटवर्क आएगा वो बाद में बड़ा होगा और अभी के लिए वो लाइव नहीं है, तो वो भी बन रहा है, वो चल रहा है, तो यूजर को पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपके व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक चल रहा है, तो बाद में बड़ा होगा। तो और एक चीज मैं ये बता रहा था कि सेगमेंटेशन ये ऑलरेडी जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसके लिए टारगेट किया हुआ है, जब ये बड़ा होगा तब और बढ़ेगा। लास्ट में चीज ये था कि जब आप देखते हो अल्टीमेटली जब आप फाइनल रेवेन्यू सब देखते हो तो उसके अंदर आज वैल्यूएशन गेम जो है उसके अंदर इश्यू एक ही आ रहा है कि आपको RBI के अंतर्गत जो आप बैंकिंग जब लाइसेंस दिया था वो बहुत कम बैंकों को दिया था, तो वो समय के अंदर आपको पता है कि लाइसेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा था। अभी आज के दिन ऑलरेडी जो दो लाइसेंस है, एक तो इन प्रिंसिपल लाइसेंस है और दूसरा ऑपरेटिंग लाइसेंस है। इन प्रिंसिपल लाइसेंस जो है आज के दिन दिया है 7 को और उसमें 4 जो है वो ऑपरेटिंग है, जैसे NADL उसमें आता है, कारवी आता है, वन मनी आता है और FIMU आता है, तो ये 4 ऑपरेटिंग है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 15 से 20 तक टोटल अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और क्योंकि कम समय में बहुत सारे एग्रीगेटर आ रहे हैं तो वहां पे भी एक तकलीफ है कि आप किस तरह से वैल्यूएशन देखोगे, कंपटीशन कैसा होगा, तो ये सब चीज जो है वो अभी तक हवा में। फोन पे को फॉर एग्जांपल रिसेंटली उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था फोन पे, तो आप जब देखते हो फोन पे के अंतर्गत भी तो उसके वहां पे उसके पास कितने यूजर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप जब देखते हो उसके पास कैप्टिव कंज्यूमर बेस पड़ा हुआ है जिसको यूज करके वो प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर सकता है। तो ये सब चीजें वो बहुत ही उसके अंतर्गत बहुत ही रोमांचक होने वाली है और अभी के लिए अभी लेट से 6 महीने तक सब ठंडा रहेगा, उतना कुछ नहीं होगा। जैसे ही SBI 1-2 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा सब चीज बढ़ जाएगा, बिकॉज SBI बड़ा बैंक है तो उसके अंतर्गत सब चीज अपना भी बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर कनेक्ट करना चालू करेंगे और सर्विसेस आएंगे। तो मेरे ख्याल से कम 6 महीना लगेगा सबको जानने के लिए और उसके बाद में और 6 महीना लगेगा सबको उसके ऊपर कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा लोग जैसे आएंगे वैसे ही ज्यादा FIU भी इसके अंदर आएंगे, अभी जो अलग डेटा लेते हैं वो इसके थ्रू ही आएंगे। तो उसके अंतर्गत ये सब प्रावधान जो RBI ने भी किए हुए, अभी आप जो भी सर्कुलर पढ़ोगे उसमें RBI ने बोला है कि अकाउंट एग्रीगेटर के अंतर्गत आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा उसके बाद में, तो ये एक दिन दिया हुआ है जैसे 2022 का दिन दिया है, उसके बाद आप अकाउंट एग्रीगेटर से ही डेटा लोगे तो वो बाद में साथ बढ़ा भी सकते हैं, पर वो दिन एक बार आ जाएगा उसके बाद ये भागेगा। आपका मतलब है कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन आ सकती है कि RBI कहेगा कि सिर्फ एक आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से ही लेंगे? नहीं, आप इन्फॉर्मेशन अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू लेंगे, एक जगह से नहीं लोगे, आप अकाउंट एग्रीगेटर मतलब अकाउंट एग्रीगेटर ही से ही इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और कोई इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है? जो चीज अकाउंट एग्रीगेटर दे सकता है उसके अंदर, मुझे एक बार वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, शायद उसके अंदर पूरा क्लैरिटी वहां पे आ जाएगा। ये जो है फ्यूचर स्कीमा है, आप जब देख सकते हो आज के दिन डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये 3 चीज जो है वो लाइव गए हैं। ये और चीज आ रहे हैं, जैसे ये आपका SIP आ रहा है, कमर्शियल पेपर इन्होंने बताया, वैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर बॉन्ड, ये सब चीज और आने वाली है। जब जब ये चीज लाइव होगी और जब भी RBI बोलता है कि आपको इससे थ्रू ही देना पड़ेगा, तब ये सब चीज जो है उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, लागू होगा। अभी जो है सिर्फ 3 चीज आई है अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर लाइव हुआ है, और बाद में और भी चीज आएगी जिस तरह से आप देख सकते हो, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। जी हरेश जी, ये मुझे कुछ शंका पैदा हो रही है इस बात पर कि अगर आपको RBI कहे कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्राइवेट जो भी एंटिटी है उसके माध्यम से ही देनी होगी, हरेश जी क्या आपको लगता है कि ये बात ऐसा हो संभावना है और ऐसा होना चाहिए और इसके सही इम्प्लीकेशन होंगे, ठीक कदम है क्या? एक लेवल पे जब पहुंचता है यूसी उसके, तो RBI डायरेक्ट करेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है यही एक माध्यम से लेनी है, उसके अलावा आपको बाहर से कहीं नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी है
इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन जो है तो कस्टमर्स एक्सपीरियंस की वजह से उनको इजीनेस भी होती है प्रोवाइड करने की, तो ये हो सकता है। आपको मैं बता दूं, दो दिन पहले, इनफैक्ट दो दिन पहले ही आरबीआई का सर्कुलर आया था जहां पे आपका जो क्रेडिट कार्ड डेटा है वो मर्चेंट के पास अभी स्टोर नहीं हो सकता, वो आपको टोकनाइजेशन के थ्रू ही रखना पड़ेगा। तो ये उसी कदम पे है जहां पे आप डेटा प्राइवेसी को बढ़ावा देना चाहते हो, जहां पे आप आज के दिन क्या है किसका भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका डेटा कहाँ पे आपको नहीं पता, भेलपुरी के वाले के पास भी आपका डेटा एक प्रिंटेड कॉपी में हो सकता है, तो आपको नहीं पता कहाँ पे आपका डेटा है, ये सब चीज पता नहीं है। तो उसके अंतर्गत क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे सब चीज डिजिटल कर रहे हो, आपका वहां पे ऑडिटिंग का भी प्रावधान है जहाँ पे ऑडिटिंग होगा ये सब होगा। तो उसके अंतर्गत क्या आरबीआई प्लान कर रहा है, जैसे अभी रिसेंटली दो दिन पहले डिक्लेयर किया है कि कोई भी मर्चेंट वो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा स्टोर नहीं कर सकता, वो सिर्फ टोकनाइजेशन के थ्रू ही ले सकता है। उसके मुताबिक ही यहाँ पे भी यही होने वाला है। अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, डेटा प्राइवेसी बढ़ेगा, कंसेंट लगता है, आपके हाथ में है आपको डेटा कब डिलीट कराना है वो भी आपके हाथ में, आप बोल सकते हो मुझे लोन अभी समझो मेरा लोन में प्रीपे कर दिया तो मैं उसके साथ में डिलीट करवाने का भी बोल सकता हूँ, मैं उसको कंसेंट जो मैंने दिया है डेटा लेने का मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो वो सब मेरे पास आधार जो मैं आधार बेस करता हूँ मेरा सब लिंक होता है, उसकी भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पे आता नहीं है। तो उसके मुताबिक आप जब देखते हो ये पूरा का पूरा प्रावधान के अंतर्गत ही आता है। और आरबीआई का आप सर्कुलर सब देख लीजिए जो रिसेंटली आ रहे हैं, उसके अंदर न्यू पैराग्राफ एड ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू सहमति का जो है कलेक्टिव अकाउंट एग्रीगेटर है उसके थ्रू, और अकाउंट एग्रीगेटर जो लाइव हो चुके हैं ऑपरेटिंग लाइसेंस जिसको मिल चुका है उसके अंतर्गत आपको ये दिन तक उसके बाद में यहाँ से ही आपको डेटा लेना पड़ेगा, वैसा सर्कुलर के अंदर एक एक लाइन आ रहा है, आप जो भी नया सर्कुलर आ रहा है देख सकते हो। यहाँ पे कस्टमर को एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कस्टमर खुद कितने पीरियड के लिए, क्या टाइम पीरियड के लिए, क्या पर्पस के लिए, किसको देखना है, अपना डाटा शेयर करना है, वो सारा डिसाइड करता है। उसको विड्रॉल कंसेंट विड्रॉ करने की भी परमिशन रहती है। फिजिकल फॉर्म में जब आप डाटा है किसके पास चला जाता है कुछ कंट्रोल नहीं है, ये सारी चीज उनकी कंसेंट मैकेनिज्म से उसके कंट्रोल में आ जाती है। और अमन जी ने जैसे बोला, अमन जी ने सही बोला कि समझो ये आपका जो होल्डिंग कंपनी है वो समझो किसी को बेच रहा है आपका डेटा देख के, तो क्या होगा। यहाँ पे क्लियरली प्रावधान ये भी है कि होल्डिंग कंपनी जो डेटा समझो एफआईयू बन के लेता है समझो, तो फिर उसका अप्लीकेबल अलग चीज है, उसको ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट ये सब अलग है। उन्होंने जैसे बोला और मैंने भी आपको बताया, आज के दिन आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक्ट नहीं हुआ है, वो चीज पहले आपको चाहिए तभी ये पूरा सिक्योरिटी में आ जाएगा आपका प्रावधान में। बट आज के दिन ऑडिटिंग है, जो भी चीज एफआईयू लेता है उसका ऑडिटिंग का प्रावधान सम्मति के अंतर्गत है, वो आप करोगे ऑडिट करोगे डेटा उसके लिए ही जा रहा है। कल उठ के क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कल उठ के क्या होगा, कल उठ के समझो ये होल्डिंग कंपनी डेटा शेयर कर रही है जो, वो तो ऑडिट के अंतर्गत आएगी पर वो डेटा प्रोसेसर गिना जाएगा, डेटा कस्टोडियन जो है वो फाइनल एफआईयू गिना जाएगा और ये डेटा प्रोसेसर के अंतर्गत आएगा जो डेटा एक्ट आने वाला है उसके अंतर्गत। तो उन्होंने जैसे बोला अमन जी ने, ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है वो क्लियरली जानना चाहिए, पर ये क्योंकि ये चिकन एग सिचुएशन है, जब तक आप ये रेडी नहीं करोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले ये कर रहे हो और फिर आप उसको लेके आओगे, और आपके आज के दिन आप देखोगे तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में डेटा ऑफिसर का प्रावधान है, जो कंपनी थोड़े रेवेन्यू के ऊपर होती है उसको अलग से एक ऑफिसर रखना है जिसका नाम है चीफ डेटा ऑफिसर। आज के दिन देखोगे गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी है वहां पे चीफ डेटा ऑफिसर रखा गया है, तो वो अपने तरफ से रेडी रख रहे हैं कि मैं रेडी हूं, जब मैं लेके आऊंगा सब लोग को रेडी करने के लिए ये प्रावधान भी रहेगा। ये डिमोनेटाइजेशन का देखा गया था कि जब आप तुरंत कुछ करते हो तो प्रॉब्लम होता है, तो ये बार ये लोग फूक फूक के सब चीज पहले रेडी कर रहे हैं और उसके बाद में बोलेंगे हम लोग ने सब रेडी रखा है आप उसके ऊपर चले जाइए, ये इस तरह से ये लोग प्लानिंग कर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी प्रोविजन है कि किसी का भी डेटा यूज करना है तो पहले उसकी कंसेंट लेनी चाहिए। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं जैसे आपने पूछा। पहली बात तो सरकारें सारी चाहती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या बाहर की हो, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर, मेरे अंडर द थंब, जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान गृहिणी के अंदर कहते हैं घर के अंदर, कि वो सब कुछ अपने थंब के अंडर रखना चाहती है। वो सारी सरकारें चाहती हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो वर्ल्ड में, चाहे डेमोक्रेसी हो ऑटोक्रेसी हो, वो चाहे कि मेरे पास ना इंफॉर्मेशन हो। पर ये करना जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो देश है वो इतना विस्तृत और फैला हुआ है और उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, रिच सेमी मिडिल क्लास भी हैं, पुअर भी हैं और एक्सट्रीम पुअर भी हैं।
जो आज की डेट में 10 रुपए कमाता है सारे दिन का, वो भी है। और आज की डेट में ऐसे भी आदमी है हिंदुस्तान में जो 10 करोड़ रुपया एक दिन में कमाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो सारे इस ब्रांड में आते हैं। उन सबको कोई भी प्लेटफॉर्म पे मजबूर करना किसी भी चीज के लिए, और अमेरिका जैसे देश में जहां पे उन्होंने एग्रीगेटर भी शुरू किए थे, वहां पे भी वो पूरी तरीके से इसको लागू नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए ये सोचना कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। दूसरा जो डाटा प्राइवेसी वाली चीज है, ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इवन अमेरिका में आपने देखा अभी प्रॉब्लम हुआ था जो फेसबुक के चेयरमैन को भी फेस करना पड़ा पार्लियामेंट, कांग्रेस के अंदर जो वहां के पार्लियामेंट को हमने खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से डेटा, जबकि प्राइवेसी लिया जा रहा है, मुझसे अप्रूवल लिया जाता है कि मेरा डेटा शेयर किया जाए, मेरा क्या इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, क्या लॉक रहेगा, उसके बाद भी जो है वो इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों के पास जाती है। तो ये कहना, और वो क्या होता है उसका तरीके बड़े सिस्टम बने हुए हैं। आपका लॉ एक अपने देश के ऊपर लागू होता है, जो और एजेंसीज हैं आपके देश से बाहर बैठी हैं वहां पे आपका लॉ लागू नहीं होता है। मेरे को याद है जब मैं कोलंबिया पढ़ रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर माइकल एडलर, वो जो है कह रहे थे कि उनका कोई स्टूडेंट जो है बैठा हुआ था कैमरी आइलैंड्स में, और वो कहता है कि जी मेरे पास आपने जो 16 साल की उम्र में सिगरेट क्रेडिट कार्ड दिख रही थी उसकी इंफॉर्मेशन भी है, और आज जो बैंक से ट्रांजेक्शन की है उसकी इंफॉर्मेशन भी है। जबकि अमेरिका के लॉ प्राइवेसी के बड़े स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि वो ऐसी जगह बैठा है जहां पे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, वो इंफॉर्मेशन को निकाल पा रहा है। तो इसलिए ये जो डाटा प्राइवेसी लॉज है, और इसीलिए अभी प्राइवेसी एक्ट क्लियरली आ नहीं पा रहा है। सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, जो मेरे हाथ से कोई बाहर गई इंफॉर्मेशन, मैं लोगों को कहता हूँ मेरे मोबाइल से मैंने कहीं इंफॉर्मेशन डाली तो वो पब्लिक डोमेन में है, वो अगर मैं डिलीट भी कर दूं, मेरे पास पूरे राइट है डिलीट करने को, वो एक बार इम्प्रिंट बन गया, वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट बन चुका है। तो ये कहना मैं एक कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता हूँ तो वो भी उसका इम्प्रिंट बन जाता है और वो हमेशा के लिए लॉग में रहता है, आज चाहे वो कितनी भी प्राइवेसी डेटा की हो, और कोई भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो कितना भी इस चीज को कहे, चाहे आरबीआई भी कहे, वो कोई भी कंपनी जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हैक करके निकाली जाती है या डिस्पर्स हो जाती है किसी वजह से, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, और उसकी प्रॉब्लम आज की भी है, आज से 10 साल पहले भी थी। तो ये प्रावधान जरूर है, बट इसकी सिक्योरिटी लेवल्स आज भी, जैसे मैंने बताया, ब्लॉकचेन लागू करने के बाद भी वो सिक्योरिटी लेवल्स हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्चुनेटली आरबीआई में आज तक ऐसा कोई डेटा लैब्स हमें देखने को नहीं मिला है, तो हम मान रहे हैं कि जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं और जिसके ऊपर अल्टीमेटली ये एग्रीगेटर्स को भी काम करना होगा, वो प्लेटफॉर्म सिक्योर होंगे और एक आम जनता का, आदमी का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सेफ और सिक्योर रहेगी। पर ये कहें कि जो इंफॉर्मेशन बाहर गई एक बार जना मेरे हाथ से, वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गई, उसको प्राइवेसी इशू में आप डिबेट कर सकते हैं, लीगल केसेस कर सकते हैं, पर वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती है। जी अमन जी, तो इसका भविष्य में कुछ अच्छा यूज हो सकता है। अमेरिका में अकाउंट एग्रीगेटर है, उसका क्या सबसे बेहतरीन उपयोग आप भविष्य में देख रहे हैं? क्या कुछ सिर्फ आशंकाएं आशंकाएं हैं कि कुछ उपयोग भी नहीं, है? आशंकाएं नहीं है, आशंकाएं नहीं है। आज क्या है, आप देखते हैं कई बार, जैसे यूएई में भी देखा और कंट्रीज में देखा, कुछ भिखारी है, उनकी जब डेथ होती है तो पता चलता है मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हैं। एक भिखारी यूएई में किसी लेडी की डेथ हुई तो पता चला 4 टावर को ओन करती है। मुंबई में ऐसी एक भिखारी का पता चला था जो 5 बिल्डिंग्स को ओन करती थी और उसमें लोगों को रहने को देती थी, कैफिन को फ्री भी देती थी, कुछ को चार्ज भी करती थी, जबकि वो काम भिखारी का करती थी। अब आप देखें तो आप कहेंगे अच्छा ये तो भिखारी है, इसको अनाज भी मैं फ्री दूं, जो मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही हूँ वो भी दूं, अच्छा मैं किसान है तो बहुत गरीब है इसको मैं सब कुछ ट्रांसफर करूं। जब ये इंफॉर्मेशन एक एग्रीगेटर के थ्रू सरकार के पास भी आएगी और डिपार्टमेंट्स के पास भी आएगी, तो उनको ये जो प्लान्स हैं, जो अप्रोप्रिएट प्लान्स हैं कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान की ग्रोथ का प्रोजेक्शन करें, क्या फैसिलिटीज लाएं, किस लोगों के लिए क्या क्या चीजें लाएं, वो हम अच्छा प्रोजेक्शन कर सकते हैं। जब मेरे पास डेटा ही नहीं है कि जैसे कि हम जब बात कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो मैं क्या उसके लिए संविधान करूंगा, क्या उसकी फैसिलिटी करूंगा? जब मेरे पास वो प्रावधान आ गया, आज जो है एक लेबर हो, ये चाय वाला सड़क पे बैठा हो, वो यूपीआई पेटीएम वेटीएम के थ्रू लेता है इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन जब सरकार के पास आती है तो उसे पता है कि एक आदमी चाय वाला इतना बना पाता है, उसके लिए मैं ये फैसिलिटी कर सकती हूँ, ये मैं वैक्सीन उसको मैं मुफ्त में दे सकता हूँ या चार्ज इस पे दे सकता हूँ। ये बेनिफिट आज आधार के थ्रू और ये जो नेटवर्क बने हैं उनके थ्रू उनको मिल पा रहा है। क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अब डेटा डिजिटल फॉर्मेट में आया है उनके पास। अब जब ये एग्रीगेटर बनेगा
तो एक आम आदमी को भी पता चलेगा, आज तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास 10 अकाउंट है, हर एक अकाउंट में 500 500 या 1000 1000 रुपए रखे, तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो कुछ है नहीं। जब मैंने वो 10 अकाउंट डाले तो मेरे को पता चला, अच्छा मेरे पास तो 10 हजार रुपए या 50 हजार रुपए या 5 लाख रुपए या 50 करोड़ रुपए है। तो जब मेरे को पता चलेगा और सरकार को पता चलेगा तो उसी हिसाब से वो प्रावधान बना सकती है, सिस्टम्स बना सकती है। तो जो एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम्स है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, और एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम जो सरकार का मेन फोकस है डेवलप करना, कि किसके लिए मैं क्या काम करूं, वो करने की क्षमता सरकार में और अच्छी बनेगी। जो बजट के अंदर प्लानिंग करनी होती है वो और अच्छे से वो कर पाएगी, और वो संविधान दे सकती है कि देखो तुम तो क्लेम कर रहे हो कि तुम भिखारी हो, पर तुम्हारे पास ये 3 बिल्डिंग है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इनको इस्तेमाल करके ये करो और अपना काम करो। अब क्यों ऐसे कर रहे हो भिखारी लेके मेरी एक फैसिलिटी, जो एक असली में एक गरीब आदमी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी की खाने के लिए नहीं है, उसको मिल सकती है, उसको मिले जी। यहाँ तो पे। डेटा हाँ प्राइवेसी की बात जो कर रहे थे अमन जी, उस पर कुछ और अपना व्यू रखना चाहूंगा, जिसमें एक है कि अमेरिका फेडरल स्टेट है, जहाँ पे हर एक स्टेट के अपने अपने प्राइवेसी लॉ, जैसे कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो ज्यादा ही सिक्योर्ड है, लेकिन बाकी स्टेट के लॉ कम, बहुत सारे लॉ स्टेट ने अभी तक लॉ बनाए भी नहीं है। हम उसको इंडिया की सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अगर कंपेयर करना है प्राइवेसी के एंगल से तो जीडीपीआर यूरोप का है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए कॉमन है, उससे कंपेयर करने चाहिए। तो एक सिक्योरिटी एंगल से है, अगर हम जीडीपीआर, हमारा जो अभी जो बिल है वो जीडीपीआर पे डिपेंडेंट है। अभी ये बात अलग है कि फाइनल शेप जाके क्या होगा, तो डेटा सिक्योरिटी उस पर डिसाइड होगी, डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी उस पर डिसाइड होगी। तो शेप आगे ये सिस्टम भी क्या लेगी, अकाउंट एग्रीगेटर की डेटा कैसे शेयर हो पाएगा, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है जो अमन जी ने बोला वो काफी अच्छा है, उसके पे गवर्नमेंट पूरी अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सके कि जो डेटा अवेलेबल है एनालिटिक्स से, उसके किसकी क्या पोजीशन है हर एक कंज्यूमर की, वो पता चलेगी। जैसे उन्होंने बोला भिखारी अपने को भिखारी प्रोजेक्ट करता है और गवर्नमेंट की बहुत सारी एड ले रहा है, वो सारी तो गवर्नमेंट रुका पाएगी अगर उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी और दूसरे जो एक्चुअल जरूरतमंद लोग हैं उनको प्रोवाइड कर पाएगी। और भी एक चीज है यहाँ पे, एक अग्री करूंगा प्लीज, सो आप कोई भी कंट्री के अंदर वो तो चीज है ही कि एक्ट होगा, बट अगर आप आज के दिन आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, लेकिन आप सेक्शन 138 के केसेस देख लीजिए, खत्म ही नहीं होते जिंदगी के अंदर, तो वो तो कभी भी होने वाला है, आपका कितना आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो उसका उसके ऊपर है। एक चीज अच्छा यहाँ पे ये है कि ये आरबीआई के अंतर्गत है, तो आरबीआई के पूरे जो मशीनरी है उसके अंतर्गत ये आता है, तो अभी तक आरबीआई का रिकॉर्ड अच्छा है कि जो भी कुछ रिक्वेस्ट आता है वो अच्छी तरह से वो लोग देख पाते, तो अभी तक उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं वहां पे। सेकंड चीज जो हम लोग देखते हैं जीडीपीआर के अंतर्गत जो चीज भी होती है, तो वहां पे भी एक अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट जीडीपीआर के अंदर तो नहीं है, लेकिन वहां पे एक है ना PSD2 करके, एक है PSD2 एंड पेमेंट सर्विस डायरेक्टिव बोलते हैं उसको, तो PSD2 के अंतर्गत वहां पे भी यही कहा जाता है कि आपका जो डेटा है वहां के आप डेटा ओनर हो, वहां पे डेटा कस्टोडियन अलग होगा, तो आपके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह से उसको डेटा शेयर करना चाहते हो। तो फिनटेक कंपनी है, ये मेन पर्पस क्या था, इसको ओपन बैंकिंग क्यों बोलते हैं, उसका मेन पर्पस क्या था, तो पर्पस ये था कि बैंक्स ऑलरेडी डेटा लेके बैठे हैं बट वो कस्टोडियन है, और जो इनोवेशन चाहिए आपको, बड़ी बड़ी बैंक्स बड़ा बड़ा पैसा बनाती है बट इनोवेशन ज्यादा नहीं करती है, वो ज्यादा ज्यादा हेफ्टी बोनस ले लेते हैं, बड़े बड़े बोनस लेके बैठ जाते हैं, बट इनोवेशन वहां पर नहीं होता। तो इनोवेशन अगर आपको करना है तो ये फिनटेक कंपनियां जो है या कोई नया बंदा आता है उसको इनोवेशन करना है, तो वो अगर डायरेक्टली डेटा ले सकता है अगर कंज्यूमर के कंसेंट से, तो डेटा ट्रांसफर पोर्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। उसके एंगल से मैं उसको फिर दूसरे प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, उसको मैं उसको एक इकोनॉमी बना सकता हूँ। तो ज्यादातर जब लोग इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन करते हैं सब लोग एम्प्लॉयर बनते हैं, नहीं कि एम्प्लॉई। आप बैंक रखोगे तो सब लोग एम्प्लॉई बनेंगे, एम्प्लॉयर नहीं बनेंगे। जब आप ये सब ओपन करते हो, जब आप लोगों को एम्प्लॉयर बनाते हो, तब आपका इकोनॉमी ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज वो एक एम्प्लॉयर आपको 50 एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा और उसके जरिए से आप उसको फिर और डेवलप कर पाओगे। यही आधार यहाँ पे सोचा गया है कि इसके अंतर्गत इनोवेशन बढ़ेगा, फिनटेक कंपनियां बढ़ेगी। ऑलरेडी आप देखोगे लास्ट एक साल में फिनटेक जो है सबसे ज्यादा फंडिंग वाला सेक्टर है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि अल्टीमेटली आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो रिड्यूस करें, पहली बात तो ये है। सेकंड, इनोवेशन को आप बढ़ाइए ताकि आप दूसरे लोग भी आ सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आप देखोगे कि आधार स्टेक जब तक नहीं था, जब आपका इंडिया स्टेक नहीं था, तो ये सब चीज कितनी डिफिकल्ट थी लोगों के लिए, बहुत ही टफ था और पैसा मतलब बनता ही नहीं था। आज के दिन आप जो 100 रुपये में होता था 10 रुपये में कर सकते हो, तो आपका जो एक मॉडल था बिजनेस मॉडल जो पॉसिबल ही नहीं था पहले, वो आज पॉसिबल है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। ऑफकोर्स उसके नुकसान हो गए ही,
बट जो आप उसका पल्लू देखते हो, अगर अच्छा पल्लू ज्यादा होता है तो ये करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन हर बार इश्यू होगा। जी अमन जी, क्या कोई सडन डेथ की हालात में कोई डाटा सुरक्षा की आपको लगता है इससे संभावनाएं बढ़ जाएंगी? हमारे पास एक मिनट बचा है, संक्षेप में बता सके तो। नहीं बिल्कुल, सुरक्षा बढ़ेगी बिकॉज उत्तराधिकारी को जो है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल पाएगी और उसका बेनिफिट होगा लॉन्ग रन के अंदर। एक जो बस प्राइवेसी का वो इशू ये है कि हिंदुस्तान में जब कोई चीज कोर्ट में जाती है तो वो एक साल में सॉल्व होगी या 50 साल में होगी या नेक्स्ट जनरेशन में होगी ये पता नहीं होता है। अमेरिका में प्रावधान है 3 महीने के अंदर उनको डिसीजन देना होता है, इसलिए वहां पे प्राइवेसी लॉज का फिर भी लागू करना आसान होता है। हिंदुस्तान में वो चीज मुश्किल है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो, फाइनेंशियल डेटा लीक हो, उसको सिक्योर करना बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए एक वो डर है। पर जैसे मैंने कहा, कोई इंफॉर्मेशन जब मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में चली गई है, अभी आपने डाली नहीं है, पर ये पब्लिक डोमेन में है। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी मैं डाल रहा हूँ, कोई दे रहा हूँ, तो चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो किसी यूपीआई ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो, एक बार आपने वो इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो पब्लिक डोमेन में चली गई। अगर ये इंसान अपने दिमाग में इस चीज से खुश है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है, मेरे को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा और मैं सक्षम रहूंगा, जो आरबीआई ने दिखाया भी है इतने सालों में, तो फिर आदमी इससे खुश होगा, प्रोग्रेस करेगा और देश भी प्रोग्रेस करेगा। जी तो आपका मतलब कि वसीयत लिखने की जरूरत होती है, जो वसीयत में आपको सिर्फ इतना लिखना होगा कि अकाउंट एग्रीगेटर में इतना इतना सामान है और इसको दे दिया जाए, इतना वसीयत लिखना आसान हो जाएगा क्या इससे? वसीयत लिखना अलग चीज होती है और अकाउंट एग्रीगेटर से इंफॉर्मेशन मिलना अलग चीज होती है। वो ये है कि वसीयत में तो मैं ये देता हूँ कि इसका ये राइट होगा, इसका ये राइट होगा, इसका इतना प्रपोर्शन होगा। यहाँ पे मैं प्रपोर्शन नहीं बांट रहा हूँ, यहाँ पे तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप अपनी अलमारी में एक खाने में रखा है या जमीन में कहाँ गाड़ रखा है पैसा या किस बैंक में रखा है वो पता ही नहीं है, उसको मैं पहले बही खाता एक कॉपी बना के, एक छोटी सी कॉपी बना के रखता था। अब वो एक तरीके से ये एग्रीगेटर वाला काम करेगा कि वो कॉपी वहां पे बन जाएगी, जो फाइनेंशियल प्लानर उस कॉपी को आपकी मेंटेन करके रखेगा और कल को कुछ अनुस्थिति होती है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जिसको आपने उत्तराधिकारी का बनाया है उसको वो देगा, पर उसको पूरे कागजात फिर भी करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि पैसा मिल गया उसको, अब पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, अब कम से कम इन्फॉर्मेशन है और वो सरकारी बकायदे में नहीं जाएगा पैसा, नहीं तो हर 10 साल में करोड़ों रुपए ट्रेजरी के अंदर चले जाते हैं बिकॉज वो अनक्लेम्ड क्लेम फंड होते हैं, पता ही नहीं होता कि पैसा किसका कहाँ रखा है। जी तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमने देखा कि अकाउंट एग्रीगेटर काफी संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, हमारी एक जो निजी सुरक्षा है, निजी खातों की जानकारी है उसको भी बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को संवेदनशील भी बनाते हैं चोरी के मामले में या उसके हैकिंग के मामले में, और दोनों पक्षों को देखना होगा कि और वो आदमी इंडिविजुअल लेवल भी कर सकता है, सरकार नीतियां बना के भी कर सकती है, लेकिन अगर इनको किसी भी तरह से, जैसा कि बात चल रही है कि आरबीआई या सरकार कहेगी कि आपको करना ही है, तो शायद उतना स्वीकार लोगों को ना हो, ये बात देखनी होगी। फिलहाल आप सभी लोग चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप देखते रहिए बतखड़ी, नमस्कार।